हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। आज मैंने ना ऐसे प्रॉपर पंजाबी कुड़ी के जैसा तैयार हूँ क्योंकि मैंने शॉर्ट्स वीडियो बनाया था इस पे। आई होप आप लोगों ने तो देख ही लिया होगा, अगर नहीं देखा है देख लिया होगा यार, देख लिया होगा, मुझे इतना विश्वास है कि देख लिया होगा। ओके, कैसा लगा लुक कमेंट में बताओ, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताओ कि वो वाले लुक, पंजाबी वाले लुक जो मैंने क्रिएट करा, कैसा लगा। बाय द वे अभी तो देख ही रहे हो। ओके, तो आज का जो वीडियो है ना वो मिंत्रा हॉल है, जिसमें मैंने ऐसे रैंडम चीज पिक करी है। रैंडम चीज मतलब क्लोथिंग आइटम है सारे, और बहुत ही यूजफुल है, बहुत ही बेसिक है, जो कि आप बहुत ही तरीकों से स्टाइल कर सकते हो। तो ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है क्योंकि बहुत सारे लोग शॉर्ट्स के नीचे कमेंट करते हैं कि ये आपने कहाँ से लिया, ये आपने कहाँ से लिया। तो आई विल से कि देखो, शॉर्ट्स वीडियो देखते हो, लॉन्ग वीडियो भी देख लिया करो। आपको सारे प्रोडक्ट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और उसकी क्वालिटी देखो, शॉर्ट्स वीडियो में तो क्वालिटी वगैरह नहीं पता चलती है ना, तो मैं लॉन्ग वीडियो में उसकी क्वालिटी कैसी है, प्राइस के अनुसार प्रोडक्ट कैसा है, मैं सब कुछ बताऊंगी। तो यू नो, शॉर्ट्स वीडियो के साथ साथ लॉन्ग वीडियो भी देखा करो। ओके, तो अब मैंने बहुत ही ज्यादा ज्ञान फैल दिया है, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आई विल स्टार्ट विद दिस डेनिम जैकेट, जो कि मैंने शॉर्ट्स वीडियो में पहना, और बहुत सारे लोग कमेंट में लिंक मांग रहे थे मुझे इस जैकेट का। तो ये ऐसा जैकेट है ना कि आप इसे लाइक विंटर में या फिर समर में भी किसी भी तरीके से स्टाइल कर सकते हो। इंडो वेस्टर्न लुक क्रिएट कर सकते हो, वेस्टर्न वेयर के साथ पहन सकते हो, प्रॉपर इंडियन वेयर के साथ भी पहन सकते हो, बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप इस टाइप का ऐसे बेसिक ब्लू डेनिम जैकेट रख सकते हो। आई थिंक ब्लैक से ज्यादा ब्लू क्लासिक लगता है। तो या आप इस तरह के डेनिम जैकेट ले सकते हो, और इसमें कट है, और इसकी क्वालिटी बाय द वे प्राइस के अनुसार इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, मतलब बहुत ही अच्छी है, 10/10 है। मतलब ये तो मेरी फेवरेट डेनिम जैकेट है। नेक्स्ट जो मैंने लिया है वो है श्रग, जिसके बारे में भी लोग बहुत पूछ रहे थे कि लिंक दे दो, लिंक दे दो। लिंक भाई लॉन्ग वीडियो के नीचे मिल जाएगा, तो लॉन्ग वीडियो भी देखा करो अगर किसी का लिंक चाहिए, किसी प्रोडक्ट के बारे में जानना है। तो कैमरा में कुछ प्रोडक्ट्स की क्वालिटी अच्छी दिखती है बट रियल में ऐसी नहीं होती है। तो अगर आप पैसे लगा रहे हो तो प्रोडक्ट्स के बारे में भी तो अच्छे से जानोगे, इसलिए लॉन्ग वीडियो देखा करो, ताकि you know, कुछ भी लेने से पहले, ताकि आप श्योर हो जाओ कि हाँ अगर मैं इसमें पैसा लगा रही हूँ तो वो वेस्ट नहीं जाने वाला है। मैंने ये स्रग लिया था और ये काफी अच्छा है, मतलब इसके टैसल देखो यार कितनी खूबसूरत है। बाय द वे अगर ऐसा बाजू में भी टैसल होता तो ज्यादा अच्छा लगता। तो ये 3/4 स्लीव है, इस पे ऐसा प्रिंट हो रखा है एज यू कैन सी, और बहुत ही कॉजी वाइब्स देता है ये सरग। लाइक आप इंडियन के साथ भी स्टाइल कर सकते हो, वेस्टर्न के साथ भी, तो बहुत ही वर्सेटाइल है। ऐसा पीच कलर में ये है, तो लाइक मेरे को थोड़ा सा प्राइसी लगा, थोड़ा सा प्राइसी, पर हाँ क्वालिटी वगैरह सब सही है। नॉर्मल जो श्रग होता है वैसा है, लाइक सी थ्रू वाली है, और बाकी सब अच्छी है। थोड़ी सी प्राइसी लगी बट क्वालिटी अच्छी है, प्रिंट अच्छा है, कलर अच्छा है, टैसल्स तो मेरा दिल ही चुरा के लेके गया। ओके, नेक्स्ट मेरे पास है ये बेसिक ब्लू जीन्स, जिसको मैं ऐसे मोड़ के पहनती हूँ क्योंकि इसे कहते हैं मॉम जीन्स। होता है एक मॉम जीन्स करके होता है, तो ये वो जीन्स है। नीचे से आपको लाइक फ्लेयर्ड भी नहीं मिलेगा और ऐसे स्ट्रेट भी नहीं मिलेगा, लाइक थोड़ी सी लूज मिलेगी। तो अगर आप इसे फोल्ड करोगे तो अच्छा लुक आएगा। तो कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि फोल्ड नहीं करता, तो फोल्ड नहीं करती तो ज़्यादा अच्छा लुक रहता है, बट फोल्ड करने के बाद आई थिंक ज़्यादा अच्छा लुक आता है। और थोड़ी सी लंबी भी है मुझे, मेरे लिए ये जीन्स, तो मुझे फोल्ड कर लेती हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो ये बेसिक जीन्स ऐसा है कि आप लाइक कुर्ती के साथ स्टाइल करोगे तो ऑसम लगेगा, टी शर्ट के साथ पहन सकते हो, शर्ट के साथ, मतलब किसी भी चीज़ के साथ पहन सकते हो। और एक ब्लू जीन्स आई थिंक वार्डरोब में होना चाहिए क्योंकि बहुत ही वर्सेटाइल है और बहुत ही अच्छी, मतलब आप क्रॉप टॉप के साथ भी पहन सकते हो क्योंकि अच्छी खासी हाई वेस्टेड जीन्स है। लाइक जब मैंने इसे पहना ना मेरा दिल आ गया। थोड़ी सी अगेन थोड़ी सी ज़्यादा, अगेन थोड़ी सी प्राइसी, बट ठीक है। मेरा ना ऐसे पहनने के बाद मैंने आज तक ऐसी मस्त फिटिंग वाली मस्त जीन्स नहीं पहना है। मतलब मैंने बहुत सारी जीन्स ट्राई करी है, इतनी प्राइसी भी नहीं ट्राई करी है, पर ये वाली तो मेरा ऐसे, मतलब क्या ही बताऊँ, बहुत ही ऑसम जीन्स है ये। तो डेफिनेटली अगर आप ये ले रहे हो ना तो नहीं पछताओगे। थोड़ी सी कॉस्टली भी है फिर भी नहीं पछताओगे क्योंकि इसकी फिट वगैरह बहुत अच्छी है, क्वालिटी अच्छी है, सब कुछ बहुत अच्छा है। ओके, नेक्स्ट जो मैंने लिया है वो इंडियन वेयर है। पहले तो उसके अंदर कुर्ती आ जाएगा एंड ऊपर से ऐसे जैकेट का है। एंड यू कैन सी द प्रिंट, नीचे ऐसा होल प्रिंट हो रखा है, काफ़ी अच्छा है और लाइक मुझे ऑफर में मिल गया तो मैंने लिया, लाइक बहुत ही अच्छी, लाइक 500 समथिंग में मुझे मिल गया था ऑफर में। एंड ये काफ़ी अच्छा है, आप इसे ऐसे टक करने के लिए बीच में दिया हुआ है ऐसा बंदा फीता जो कह लो। एंड इसमें लाइक बॉर्डर ऐसे प्रिंट हो रखी है पूरा में, आप देख सकते हो, और नीचे आपको होल आगे पीछे दोनों तरफ ऐसा प्रिंट मिल जाएगा। और कपड़ा एकदम कॉटन का है तो मस्त है। और आप अंदर से ऐसे जो कुर्ता मिलेगा उसे तो मैं जींस के साथ भी ऑब्वियसली स्टाइल करने वाली हूँ, तो या आप लाइक अपने तरीके से स्टाइल कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट जो मैंने लिया है वो है ये स्कर्ट। इसमें आपको ऐसी प्लेट बनी हुई है, एज यू कैन सी, चून पूरा ऐसा, और नीचे का जो डिजाइन देख रहे हो कितना खूबसूरत है। और इसकी प्राइस सिर्फ 399 है और इसकी जो एक्चुअल प्राइस है ना वो है 1599, मतलब 1600 का, और मुझे मिला 399 में, तो काफ़ी अच्छा डील था तो मैंने ले लिया, क्योंकि क्रिसमस भी आ रही थी और मुझे एक लुक भी रिक्रिएट करना था। वो सीक्रेट है, आई थिंक इस वीडियो से पहले तो मैं नहीं अपलोड कर पाऊंगी क्योंकि अभी मैंने शूट भी नहीं करा वो वीडियो। ओके, तो ये काफ़ी मेरे को अच्छा लगा तो मैंने ले लिया, और कपड़ा भी अच्छा है और साइड से आपका से चैन मिल जाएगा, तो सब कुछ अच्छा है। इसकी लेंथ भी अच्छी है, मुझे ना ऐसा लाइक जो कोहनी के नीचे तक लेंथ आती है ना वो अच्छी लगती है, तो इसकी लेंथ भी अच्छी है और सब कुछ इसकी अच्छी है। और कलर तो बहुत ही प्यारा रेड कलर है, क्रिसमस के लिए परफेक्ट। तो यह आज के हॉल वीडियो के लिए इतना ही, मैंने मिंत्रा से लिया था। बाय द वे और भी मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स लिए हैं अमेजोन से, मीशो से। अगर आप चाहते हो वो उसका भी मैं वीडियो बनाऊँ, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड या और क्या चीज़ की वीडियो चाहिए वो भी कमेंट में बताओ। एंड या वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।